वीडियो है जिस दिन मूर्ति विसर्जन था उस दिन का। तो मैं गंगा घाट गई थी, ऐसे ही हम लोग फ्री थे शाम के टाइम, तो वहाँ पे मैंने मूर्ति विसर्जन देखा। और सच बोलूँ ये जो पल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है। माता को विदाई करने का जो वक्त आता है ना, मतलब कोई भी पूजा होता है, विदाई करने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं नाश्ते में खा रही हूँ ये अंडे का पोच मैंने बनाया है और बहुत ही फ्लफी है। तो मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने आपको मूर्ति विसर्जन भी दिखा दिया है। मैं कल गई थी तो मूर्ति विसर्जन भी मैंने देखा। तो अभी चलते हैं फटाफट से, क्विक आपको 3 चिकन की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाता है और फटाफट से, अगर आप घर में कोई पार्टी भी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं बस थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि मैं आपको रेसिपी शूट करके दिखा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनाने रही। मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ मैं बना ही रही हूँ, तो रेसिपी भी आप लोगों को शूट करके दिखा देती हूँ। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं, आपको रेसिपी दिखाते हैं। मैंने कटिंग वगैरह सब कर लिया है, क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ वो सब मैं आपको बनाते वक्त बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के दोपहर हो गई है, तो चलिए बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने वेजिटेबल कट कर लिया है, आपके ऊपर है जो भी आपके पास वेजिटेबल है आप वो डालिए। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको यही वेजिटेबल डालने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन कटलेट की जो रेसिपी है वो आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने चिकन को अच्छे से चॉप कर लिया है और उसमें मैंने डाला था अदरक, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और थोड़ा सा आरारोट डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने बैटर बनाया है मैदा का, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा कलर डाल के, और बस उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने जो चिकन का बैटर बनाया था जो कटलेट के लिए, उसको अच्छे से राउंड शेप में दे के उस घोल में डिप करना है और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और ये ऐसा कटलेट का शेप दे देना है। और ये शेप मेरे हस्बैंड देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से दे पाते हैं, मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैंने बोला था कि आप ही इस कटलेट के शेप को दे दीजिए और इसे ऐसे बना के मैं इसे फ्रिज में रख देने वाली हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए। मैं इसे अभी फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे लास्ट में फ्राई करूँगी। अब चाहे तो आप तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम था तो मैं इसे अभी फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको गार्लिक चिकन फिंगर की रेसिपी बता रही हूँ। आप बोनलेस चिकन लीजिए, उसको लंबा लंबा चिकन को पीस में काट लीजिए, पतला पतला, ज़्यादा थिक नहीं और ज़्यादा थिन भी नहीं। और उसमें थोड़ा सा आरा रोट, मैदा और अंडे का बैटर डालना है, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आरा रोट और थोड़ा सा फूड कलर डालना है और उसको मिक्स करना है और उसे फ्राई कर लेना है और साइड कर लेना है। उसे हम ग्रेवी में डालेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है, तेल में मैंने लहसुन डाला है, लहसुन को थोड़ा फ्राई होने देंगे। उसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे जाएगा ढेर सारा हमारा टोमेटो सॉस और उसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है अच्छा दिखने के लिए, अजीनोमोटो, नमक और काली मिर्च, ये सारा चीज़ डालेंगे और उसको थोड़ा सा पक जाने देंगे। उसके बाद उसमें हम अपना चिकन फिंगर डाल के अच्छे से सॉटे करेंगे, तब तक सॉटे करना है जब तक वो थोड़ा ड्राई ना हो जाए क्योंकि मुझे चाइनीज़ आइटम ड्राई ही अच्छा लगता है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा आरा रोट का घोल लेके 1 चम्मच के लगभग मैं डाल दूँगी ताकि थोड़ा थिक हो जाएगा। और बस हमारा चिकन गार्लिक फिंगर अच्छे से रेडी है और आप इसकी शक्ल देखिए क्या गजब लग रहा है। और ये सिर्फ देखने में ही गजब नहीं लग रहा था, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। मैं रिव्यू नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं खाई तो मैंने शूट करना, मैं पता नहीं इसी में खो गई थी, मैं शूट करना भूल गई थी। बट आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना टेम्प्टिंग लग रहा है और खाने में भी खट्टा मीठा इसका स्वाद था, हल्का सा स्पाइसी था टोमेटो सॉस की वजह से, ये थोड़ा सा मीठा लग रहा था और लाल मिर्च मैंने डाला था तो थोड़ा सा तीखा भी था, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था इसका। और अब हम बनाने जा रहे हैं लास्ट और फाइनल चिली चिकन। तो उसके लिए मैंने सेम वही अपना कटोरा लिया है जिसमें मैंने इसके पहले बैटर बनाया था और उसमें मैं चिकन डालूंगी, थोड़ा सा आरा रोट, अजीनोमोटो, नमक, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा अंडा डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे सारा फ्राई मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि अंदर से कच्चा ना रहे, हमें फ्राई करते वक्त ही इसे पूरे अच्छे से पका लेना है 99% तक। और इसे अच्छे से फ्राई करके हम लोग पका लेंगे। और देख रहे हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो किया है ताकि आप देखिए कि तेल के छींटे कैसे उड़ रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से इसे फ्राई कीजिए। और बस हमारा यहाँ पे चिली चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है और इसे हम लोग बस अब ग्रेवी में डालेंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा शिमला मिर्च और प्याज था, मैंने इसमें हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाली है, काली और लहसुन
की कलियाँ डाल के थोड़ा सा सोटे करना है, बस हल्का सा ही, ताकि सब्जियों में क्रंच बना रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाला है, भून लूँगी और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे चिकन मिला दूँगी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर से मजीनो मोटो नमक जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉस डाल रही हूँ, सॉस आपके पास जो भी है वो डाल दीजिए, काम चलने लायक। बस थोड़ा सा सोया सॉस होना चाहिए, सोया सॉस डाल दीजिए, थोड़ा सा विनीगर डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा चिली सॉस, क्योंकि चिली चिकन है और क्या। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से इसमें चिली डाला है। मैं यहाँ पे चिली चिकन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और लास्ट में थोड़ा सा आरा रोल डालेंगे हम लोग घोल के, ताकि ये थोड़ा सा थिक रहे। अगेन मैंने ड्राई चिली चिकन बनाया है इसलिए मैंने कोई ग्रेवी नहीं रखा है। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा आरा रोल डालते वक्त थोड़ा सा पानी की क्वान्टिटी बढ़ा दें और आप देखिए कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हुआ था, एकदम जैसा नाम है इसका चिली चिकन एकदम वैसा ही हुआ था। आप शक्ल देख सकते हो, मैं तुरंत बना के सर्व करके आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से ख़रीद के ले आ रही हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे फटाफट बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे अपना जो कटलेट रखा था फ्रिज में सेट होने के लिए, वो सेट हो चुका है, उसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, बट अगर फ्रीज में रख देते हैं तो जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास टाइम था तो मैंने रख दिया था। और आप इसकी शक्ल देखिए कितना क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट था। और उसके बाद मैं शाम को थोड़ा निकली थी, करवा चौथ आ रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा साड़ी देख लेती हूँ, कोई साड़ी पसंद आ जाएगी तो ले लूँगी। तो बस वही साड़ी मैं देखने गई तो थी, बट मेरा क्या है कि मुझे कपड़े में बहुत वैरायटी नहीं पसंद है। मतलब मुझे वो कपड़ा पसंद है जो मुझे कंफर्टेबल लगे, अगर पसंद आ गया तो मैं तुरंत ले लेती हूँ, वरना पूरा दुकान मुझे दिखा दोगे ना तो भी मैं नहीं लूँगी, अगर मुझे अगर पसंद नहीं आया तो। तो इसमें एक दो चीज़ें, एक दो कपड़े थे जो मुझे ठीक लग रहे थे बट कुछ फाइनल नहीं हुआ, तो साड़ी मैंने लिया नहीं और बस मैं देख के ही आ रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे बांधनी की कुछ साड़ियाँ दिखाई उन्होंने जो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और वही मैं आपको भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये, जैसे कि इसके पहले जो उन्होंने रेड कलर में दिखाया था और येलो कलर में, वो साड़ी मुझे अच्छा लग रहा था बट मैंने लिया नहीं। और यहाँ पर एक दो पैंट का कपड़ा हम लोग देख रहे थे लेने के लिए, बट अभी वो भी कुछ फाइनल नहीं हुआ, बस हम लोगों ने देखा और कुछ लिया नहीं, और उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया मैंने, नेक्स्ट मॉर्निंग सूट किया। मैं आपको दिखा रही हूँ इस बार हमारे छत पे क्या फल हुआ है, ये देख रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे हुए हैं, ये तो भी छोटा है और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारा है। नीचे ऊपर भी अब उतना छुप गया है, मैं दिखाने वाली नहीं, मैंने बस आपको एक तो दिखा दिया। देखिए कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। मैंने कल उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे टेरिस पे, मतलब हमारे छत पे कितना अच्छा नेनुआ का सब्जी मतलब लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ तोड़ के बनाने में। हम लोगों ने एक बार बनाया है, बहुत अच्छा बनता है ये, तो मैंने सोचा कि अच्छे से ब्लॉग की एंडिंग दे दूँ। मैंने वो तीनों रेसिपी आप लोगों को शूट करके बता दिया, वो बहुत क्विक बन जाता है, बहुत ही इजी होता है। मैंने टेस्ट किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, मैं उसका रिव्यू अभी दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने टेस्ट करते वक्त शूट नहीं किया उसके लिए सॉरी, बट आपने डिश देखा था कि कितना टेम्पटिंग लग रहा था देख के। बस आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, फटाफट से बन जाता है। और अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, आप पार्टी में ये मेनू रखना चाहते हैं, तो आप पहले से इसे फ्राई करके और कटलेट को जैसे मैंने सेट करने के लिए रख दिया था, आप ऐसे सारी तैयारियां पहले से करके रख सकते हैं और जब आराम से ऐसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और सारे डिश बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। आपको सब्जियों को सिर्फ सॉटे करना होता है, वो भी सिर्फ चिली चिकन में पड़ता है, बाकी सारी तो मैंने बिना सब्जियों के ही बनाया था। तो आप ये क्विक रेसिपी भी है और बहुत ज़्यादा सेम टाइम पे टेस्टी भी होता है, तो आप इस तरीके से अपने घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है तो आप बना के प्रिपेयर करके रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।